पर खराब मौसम, देरी से लैंड होंगी 12 फ्लाइट्स। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनका बेटा दिल्ली में अरेस्ट, मेरठ पुलिस ने घोषित किया इनाम। सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, दुबई टेनिस चैंपियनशिप होगा आखिरी टूर्नामेंट। दिल्ली में बढ़ी गलन, पालम में तापमान 5 डिग्री तो सफदरगंज में पारा 6.2 डिग्री किया गया दर्ज। लखनऊ में निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण, निदेशक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में लगातार ठंड बढ़ रहे हैं, शीतलहर के प्रकोप के बीच निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा ने तेलीबाग स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, साथ ही रैन बसेरे में मौजूद लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। इसके साथ ही अधिकारियों को रैन बसेरा में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। तो वहीं झारखंड से इलाज कराने लखनऊ में आए इरशाद ने बताया कि वह रैन बसेरा की सुविधाओं से संतुष्ट है। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और कहा कि ठंड से लोगों को बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए, रैन बसेरे में पर्याप्त गर्म कपड़ों का प्रबंध करने एवं साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए। इतना ही नहीं, आधार कार्ड ना होने की स्थिति में किसी भी जरूरतमंद को रैन बसेरे की सुविधा से वंचित ना किया जाए। अमरोहा में एसपी के निर्देश पर 6 थानों की पुलिस ने जिला बदर आरोपियों के खिलाफ अनोखी कार्रवाई करते हुए अपराधियों के इलाके में ढोल नगाड़े के साथ लाउड स्पीकर से घोषणा कराई और जनपद से दिखाई देने वाले कठोर कार्रवाई करने का भी संदेश दिया। सैद नगली थाना, अमरोहा देहात थाना, नौगावा सदा थाना, बछराऊ थाना और हसनपुर कोतवाली पुलिस सहित 6 थानों की पुलिस ने एक ही दिन में अलग स्थानों पर ढोल नगाड़े के साथ लाउड स्पीकर से घोषणा कर कार्रवाई का निर्देश दिया। तो वहीं पुलिस की इस अनोखी कार्रवाई के संदेश से अपराधियों में दहशत का माहौल है। मैनपुरी के बरनाहल भाजपा कैंप कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम के साथ कल्याण सिंह की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने पूर्व राज्यपाल के चित्र पर सुमन अर्पित किया, साथ ही कहा कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, ऐसे महान व्यक्ति के आदर्श और बताए हुए रास्ते पर हम सबको चलने की आवश्यकता है और जो काम उनके अधूरे रह गए हैं उन्हें हम सब भारतीयों को पूरा करने की जरूरत है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव जीत कर उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया है, साथ ही मारपीट गोली चलाना जैसे कृत्य कर रहे हैं, उन्हें भी याद रखना चाहिए। जी, आज कल्याण सिंह की जयंती का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व महामहिम राज्यपाल स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की आज जयंती के अवसर पर हम सब ने उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनका स्मरण किया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए, एक नकल विरोधी अध्यादेश लाकर के मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ऑपरेशन सिकंजा के तहत कुराबली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।
साथ ही पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि कुरावली पुलिस व साइबर सेल टीम ने दो वांछित चल रहे अपराधी सुघर सिंह और जवर सिंह का इनाम घोषित किया था, जिनको कुरावली थाना प्रभारी व साइबर सेल की टीम ने मुठभेड़ में दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी अन्य कृतों की जानकारी की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और साइबर टीम प्रभारी द्वारा आज दो इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर काफी सारे मुकदमे हैं। दोनों ही गैंगस्टर के तहत वांछित चल रहे थे, एक तो सोनू पुत्र सुघर सिंह और दूसरा शिवम पुत्र जबर सिंह। ये दोनों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, इसके पीछे टीमें लगी हुई थी। इनके अन्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे सुसंगत। हरदोई में दिल्ली के कंझावला हादसे की तरह एक और हादसा हो गया। पूरा मामला सोल्जर बोर्ड चौराहे का है, जहां आशा नगर निवासी 16 वर्षीय छात्रा कोचिंग पढ़ने जा रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने छात्र को टक्कर मार दी, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़े तो चालक ने कार भगा दी। मौके पर युवक कार के पिछड़े हिस्से में फंस गया और कार चालक युवक कार चालक को घसीटते हुए चला गया, जिससे मार्ग में गली में जाने पर करीब 1 किलोमीटर के बाद कार पकड़ में आई। हादसे के दौरान छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल छात्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, साथ ही कार चालक को पकड़ लिया गया है और धारा 308 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। क्या हुआ है, पूरी बात? हम लोग कोचिंग जा रहे थे अकलेसर की, वो सोल्जर बोर्ड चौराहे पे उसने गाड़ी वाले पे उनका हैंडल जड़ गया उसमें और उसका पैर फंस गया। वो पूरा पूजा होटल वाली गली से लेके पूरा काशीराम वाली वहाँ तक ले गया घसीट के। अच्छा। उसके पैर में सब में चोट आ गई। क्या नाम है? केतन कुमार। इसकी चोट किसका क्या नाम है? केतन कुमार। आपका क्या नाम है? अंश कश्यप। अंश कश्यप। कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में? हम लोग रहते हैं सीडियो आवाज जबरापुरवा में। दोनों लोग? हाँ। जिनको चोट लगी उनका नाम क्या है? केतन कुमार। केतन कुमार और उनके पिता का नाम है हरनाम, हरनाम कुमार। ये सर, इसमें ये है अभियोग दर्ज किया गया है धारा 308 में, इसको गंभीरता से देखा गया है और जो ड्राइवर था गाड़ी का उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पीड़ित की हालत ठीक है और डॉक्टर से संपर्क करके समय पर इलाज कराया जाएगा। अमरोहा में स्टंटबाजी का क्रेज अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल हाईवे 9 पर रईस जादों का गाड़ियों से स्टंट करना आम हो गया है। इससे हाईवे पर गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो वहीं ऐसी ही एक स्टंटबाजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हाईवे पर गाड़ी में लड़के और लड़कियां स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़के और लड़कियां खिड़की से बाहर निकले हैं और कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें नेशनल हाईवे पर कार रोककर लड़की अपने दोस्तों के साथ कार की बोनट पर केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। अलीगढ़ में सोई थाना के गांव के निवासी का शव खेतों में पड़ा मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता खेतों पर पानी लगाने के लिए गए थे, जिसके बाद शाम को सूचना मिली कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम है बेटा आपका? मनोज। मनोज, पिताजी कहाँ गए थे आपके? खेत पे। करीब कितने बजे? सुबह 8-9 बजे करीब। अच्छा, कब की घटना है ये? आज ही है। क्या घटना घटी है? बाबा जी खेत में पानी लगाने गए थे, वहीं पर खत्म हो गए। किसी पे कोई शक? कोई था ही नहीं वहाँ पर। अच्छा, पुलिस पहुँच गई मौके पर? घटना पर पहुंची पुलिस? नहीं, पे बुलाई थी पुलिस। पुलिस पहुँच गई है, जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।